ब्रेक के बाद आपका स्वागत रो करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के डीकेएस घोटाले में आरोपित पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक सुनील अग्रवाल को पुलिस ने 23 मई तक रिमांड पर लिया है। बता दें कि इस मामले में गोलबाजार थाना पुलिस कोर्ट पहुंची थी। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए 23 मई तक सुनील अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर रखने की इजाजत दी है। वहीं रायपुर पुलिस की ओर से अभियोजन पक्ष ने सुनील की जमानत का जोरदार विरोध करते हुए उन्हें जमानत नहीं देने की मांग करते हुए 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिस पर न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए सुनील अग्रवाल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। और जो भी जांच करनी हो जांच करें, मैं उसमें सहयोग करूंगा। न्यायालय क्या करेगा? देखिए, मेरे मेरे पक्षकार श्री सुनील अग्रवाल, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक हैं तथा दिल्ली में पदस्थ हैं, उनके विरुद्ध गोल बाजार थाना द्वारा क्राइम नंबर 70/2019 के अंतर्गत धारा 420, 409, 467, 468 एवं 120 के तहत उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था 16 मई को। तत्पश्चात दिल्ली के न्यायिक मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको प्रस्तुत किया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के जो पुलिस ट्रांजिट रिमांड था उसको मना कर दिया गया और श्री सुनील अग्रवाल को ट्रांजिट बेल दी गई है कंडीशन के साथ में कि 20 तारीख को वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। सर बस एक छोटा सा कष्ट के लिए सॉल्व किया था सर, बाद में मिल गया था सर। वो सर आईजी सर का फोन आया था सर, दुर्गा जी सर का, वो उसके लिए सर एक पिपरिया का कोई मर्ग था सर केसरी का, कि प्रवीण केसरी वगैरह, उसका जहाँ तक पीएम रिपोर्ट नहीं मिल रहा है उसी के लिए सर। तो मैं अपने इसको बता दिया हूँ सर, मौदा पर टीए को जाके भैया तू जल्दी करा दे करके। जी सर, जी।